हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। हम लोग देखते हैं मोलेरा को। सभी प्रोकैरियोटिक मोनेरा होते हैं। टिपिकली ये यूनिसेल्युलर होते हैं, बट कुछ ग्रुप होते हैं जो माइसीलिया बनाते हैं। माइसीलिया मतलब वो एक नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस और साइनोबैक्टीरिया। अब मोनेरा का कुछ गुण डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर, इसमें नेकेड सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनवेलप नहीं होते न्यूक्लियर का, जहाँ पर सभी क्रोमोजोम एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें राइबोजोम 70S का होता है। इसमें सेब वैक्यूल जो प्लांट में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट पाए जा सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्बेटिक होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को। लेकिन कुछ ग्रुप इसके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कुछ ग्रुप इसके कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक को हम लोग देखेंगे आगे। इसमें ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल अगर होंगे, ज़्यादातर नॉन मोटाइल होते हैं, और जो मोटाइल होते हैं उसमें फ्लजेला पाए जाते हैं जो ग्लाइडिंग से मूवमेंट करते हैं या फ्लजेला के वीटिंग से मूवमेंट करते हैं। फ्लजेला जो होता है वो चेन का बना होता है, प्रोटीन चेन का, जिसको हम लोग फ्लेजलिन कहते हैं। इसमें प्राइमरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब माइटोटिक होता है तो माइटोटिक एपरेटस जो होते हैं वो नहीं बनते, इसमें डायरेक्ट सेल डिविजन होते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं। हम लोग वेल नोन हैं, ये जो है वो फिम्ब्री हैं। बैक्टीरिया के सबसे आउटर लोअर में जो होता है लेयर में, वो कैप्सूल होते हैं। इसको हम देख सकते हैं, सबसे बाहरी लेयर जो होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल के अंदर सेल वॉल होता है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं। पहले कैप्सूल हुआ, इसके बाद सेल वॉल होते हैं, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और बीच में जो ये स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोजोम का, ये इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब अगर इसकी बात करें बैक्टीरिया का, तो ये कॉस्मोपोलिटियन होते हैं, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, कहीं भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये पैरासाइटिक नेचर के हो सकते हैं, ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे ही सर्वाइव करते हैं। इसका मेन जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो एसेक्सुअली होता है, फ्यूजन के द्वारा। ये टूट जाते हैं, एक से एक है, इसमें फ्यूजन हो जाएगा, ये दो बन जाएंगे। कभी कभी जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो ये स्पोर बनाता है। स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है हार्ड, जिसमें किसी दूसरे केमिकल्स या किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मेटाबॉलिक रेट खुद का एक कम कर लेता है और बहुत दिनों तक इसमें सर्वाइव कर सकता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा ये फिर से एज ए बैक्टीरिया जर्मिनेट कर जाएगा। एक मोड और है रिप्रोडक्शन का इसमें, जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। एक तरह से इसको बैक्टीरिया का सेक्सुअल मोड भी कहते हैं रिप्रोडक्शन का। अब बैक्टीरिया को चार ग्रुप में बांटा गया है मेनली इसके शेप के आधार पे। पहला है कोकाई, जो कि स्पेरिकल होते हैं। दूसरा है बेसिलाई, जो रॉड सेपेट होते हैं। स्पाइरिला, जो स्पाइरल होते हैं और उसमें फ्लाजेला होता है। चौथा है विब्रियो, जो कोमा सेप्ड होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ऑटोट्रॉप में से, या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब ये लाइट एनर्जी यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब हो गया ये केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेता है और CO2 को फिक्स करता है, इसको कहते हैं हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। बहुत सारे बैक्टीरिया मोस्टली जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप होते हैं। अब बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि कॉस्मोपोलिटन होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, चाहे डेजर्ट हो या हॉट स्प्रिंग हो। तो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेलोफाइल्स। इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। जो हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोसिडियोफाइल्स। इसका एग्जांपल है
सल्फोबोलस थर्मोप्लाज्मा, और जो मार्सी एरिया में पाया जाता है वो मिथिनोजेंस होते हैं, जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिथिनोबैक्टीरियम या मिथिनो लीनिया। ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे होते हैं, ये कैसे सर्वाइव करते हैं? इसके दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होने का मेन रीज़न है कि इसका सेल वाल को जो स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, और इसी सेल वाल स्ट्रक्चर के कारण ही ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव भी कर पाते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका सेल वाल स्ट्रक्चर सर्वाइव करने के लिए। मिथिनोजन के बारे में हम लोग वेल नॉन हैं, हम लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि इससे मिथेन जो गैस होता है बायोगैस प्रोडक्शन कराते हैं इसी से। ये रोमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, जैसे कॉ के गट में, बेफेलो के गट में, और मिथेनोजेन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। एक्चुअल बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया ही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें रिजिड सेल वाल होते हैं पेप्टिकोग्लाइकॉन का। अगर ये मोटाइल है तो इसमें फ्लेजेलम होंगे, जो कंपोज्ड होता है प्रोटीन का, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेजेलिन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास क्लोरोफिल होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट के क्लोरोफिल से काफ़ी मिलता जुलता होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलिनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मेराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं ये। जो कॉलोनी में पाए जाते हैं वो सराउंडेड होते हैं जिलेटिनस सीथ से, फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ, और ये ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडी में। जहाँ वाटर पोल्यूटेड होता है वहाँ पे ब्लूम बनाता है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशलाइज्ड सेल में फिक्स करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेटरोसिस्ट। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेटरोसिस्ट, ये है हेटरोसिस्ट, इसका एक स्पेशलाइज सेल है जहाँ फिक्स नाइट्रोजन को ये रखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोस्टॉक और एनाबिना। आइए हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन का। बेस्ट ऑन कार्बन सोर्स दो भागों में बांटा जाता है, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। हम लोग समझते आते हैं कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और हेटेरो मीन्स होता है अदर। ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद भोजन बनाता है, हेटरोट्रॉप मतलब जो दूसरे के भोजन पर निर्भर करता है। लेकिन जब बात आता है फोटो ऑटोट्रॉप और एक आता है कीमो ऑटोट्रॉप, जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक। फोटो ऑटो कहने का मतलब, यहाँ ऑटो का अर्थ है, ऑटो मतलब जो CO2 को फिक्स करता है, फ्री CO2 को, और हेटरो का मतलब होता है एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कार्बन को ग्रोथ के लिए फिक्स करता है। तो बेस्ट ऑन एनर्जी दो भागों में बांटा जाता है न्यूट्रिशन को। फोटोट्रॉप्स मतलब जो लाइट एनर्जी का यूज करता है कार्बन फिक्सेशन के लिए, और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है कार्बन को फिक्स करने के लिए, उसको कहते हैं कीमो। अब हम लोग समझ सकते हैं इससे फोटो ऑटो कहने का मतलब हुआ, वैसे ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का यूज करे CO2 को फिक्स करने के लिए। और अगर बात करेंगे कीमो ऑटो का, तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी होता है उसको यूज करता है CO2 को फिक्स करने के लिए, हो गया कीमो ऑटो ट्रॉप्स। बेस्ड ऑन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सोर्स दो भागों में इसको भी बांटा गया। लिथोट्रॉप्स कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक सबस्टांस को रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए, और ऑर्गेनोट्रॉप्स का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए। अगर कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हो, जैसे बात करते हम लोग लिथो फोटो ऑटोट्रॉप्स, तो हम लोग समझ जाएंगे लिथो मतलब हो गया कि ये इनऑर्गेनिक सबस्टांस को एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज कर रहा है, फोटो मतलब लाइट एनर्जी यूज कर रहा है, और ऑटो मतलब ये CO2 को फिक्स करेगा। कीमो ऑटोट्रॉप, तो हम लोग समझ गए कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप का मतलब समझ गए कि ये केमिकल कंपाउंड को यूज कर रहा है एज ए एनर्जी सोर्स और CO2 को फिक्स करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। तो वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया,
और इससे जो रिलीज होता है एनर्जी उसको यूज करता है एटीपी प्रोडक्शन में, CO2 फिक्सेशन और एटीपी प्रोडक्शन में। ये केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलता है उसको यूज करता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमो मतलब केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेता है और CO2 को फिक्स करता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे NH3 है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा ये Na2- बनाएगा। ये अमोनिया का ऑक्सीडाइजर है, जैसे कि नाइट्रोशो मोनास यूरोपिया। इसी तरह अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये सभी जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन रिसाइकलिंग मदद करेगा, ये सल्फर रिसाइकलिंग मदद करेगा, ये आयरन रिसाइकलिंग में मदद करेगा। इसको जो आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर ऑक्सीडाइजर है या नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये न्यूट्रिशन के रिसाइकलिंग में मदद करता है। तो हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। ये सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। ये ज़्यादातर डिकम्पोजर हो गए, जो भी डेड डीके होगा उसको डिकम्पोज करेगा। ये दूध से दही बनाने में मदद करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम्स रूट में, जो दलहन रूट होते हैं, दलहन पौधा का रूट, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं जो डैमेज करता है एनिमल या प्लांट्स को। जैसे कि ह्यूमन के लिए ये क्या है, हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे पैथोजन होते हैं, क्रॉप के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होते हैं, पेट्स के लिए भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइडा, टीटिनस, साइट्रस कैंकर। ये नींबू में होने वाली बीमारी है साइट्रस कैंकर, ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से वेल नोन डिजीज हैं। दूध से दही कैसे बनता है, ये मिल्क में प्रोटीन होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है। तो जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं दूध में, जब प्रोटीन डाइजेशन होने लगता है उसका बाय प्रोडक्ट एसिड होता है, तो मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक। और जब हाईली एसिडिक होता है मीडियम तो वो दूध से दही बन जाता है, वो जम जाता है। यही प्रोसेस है दूध से दही बनने का। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल नहीं होता, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट के लिए। जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें ये प्रोटोप्लाज्म है, इसमें सेल वॉल नहीं होता, ये लैक होते हैं सेल वॉल के, इसमें सेल वॉल नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म है, ये सॉल्युबल आरएनए है, ये राइबोसोम्स होते हैं, ये डीएनए है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है, ये सेलुलर मेम्ब्रेन के 3 लेयर होते हैं इसमें, लेकिन सेल वॉल नहीं होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है माइकोप्लाज्मा का, कि जब भी किसी प्लांट पर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है, ये है आपका फ्लावर, अगर इस पे माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन इस प्लांट पे हो जाएगा, इसके सभी फ्लावर का कलरफुल चाहे कोई भी हो वो ग्रीन हो जाएगा। इसके फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन का। इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी फ्लावर किसी भी कलर का हो, अगर उसमें माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम लोग, अगर आपके मन में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल है इस चैप्टर से या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से या किसी और टॉपिक से या चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी।